जय हिंद दोस्तों, ये वंश डेयरी है, गांव समोरा हिंदी रोड पर है, करनाल में। नमस्कार। नमस्कार अंकल जी। गाय की बात करते हो? हाँ जी अंकल जी, गाय की भी करते हैं। कौन सी ब्याध की है? ये सेकंड बार की बच्चा दे रखे है जी, दो दिन पहले फीमेल काफ दिया है, सेक्सीमन लगा था जी। अच्छा। हाँ जी, सेक्सीमन के लिए भी कोई हिसाब किताब होता है? नहीं, गाय देख के लगाना पड़ता है अंकल जी, जो अच्छी ब्रीड है उसी के तो फायदा लगाने का जी। अच्छा, वैसे हल्की वाले के लगाने क्या फायदा अंकल जी? मतलब कि कुछ देखना होता है? हाँ, हाइट थोड़ी, लेंथ, रिकॉर्ड कैसा है, सब देखना पड़ता है अंकल जी। कोरोना का प्रकोप दोबारा है, इसलिए मास्क लगाना जरूरी है। बाहर जाते हैं लगाते हैं अंकल जी। तो यहाँ नहीं लगाते? नहीं, अब लोकल में अकेले हैं, अभी यहाँ कैसे लगाए। 80% लोगों को है। हाँ जी, हर घर में खराश, गले में। हाँ जी, जुकाम, बुरा जुकाम तो बरसात चालू उसमें भी हो गया जी। चाहे मतलब कुछ भी हो, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ ना हो। हाँ जी, जी। लोग डराने को बातें करते हैं, लेकिन ऐसी नहीं बात है, बीमारी तो डरना चाहिए। जब पिछली बार जिनके लोग हुआ था, मेरे को भी हुआ था, जिनके बिछड़ गए लोग ना। हाँ, वो लोग मानते हैं बिल्कुल, जिनको नुकसान नहीं हुआ वो कहते हैं खाली ऐसी ही बातें हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इसलिए जो है एहतियात बरतो। और ये कितना दूध देने वाली है? सेकंड बार बच्चा दिया जी, दो दिन पहले बच्चा दिया। अभी 24-25 लीटर चीख तैयार आई। तो कितने दूध पे जाएगी ये? जाएगी 30+ रहेगी, 30-32 लीटर पे पहुंच जाएगी, चली जाएगी इतना। हाँ, ये 24-25 तो मिल्किंग करवा के दे दो। हाँ, जो बच्चा दे रखे इतने, कौन सा प्रेग्नेंट है जी? अच्छा, क्या दिया? फीमेल का भाजी, सेक्सीमन लगा था। हाँ, तो क्या दाम की है ये डिमांड कर रहे हैं जिसकी? 80,000 रुपये की। बेचोगे? 75,000 तक छोड़ देंगे। 70 में छोड़ देंगे, कोई आएगा कोई बात नहीं। और भी कम कर दो? नहीं, 70 तक आसपास छोड़। 65 में नहीं? तो आप कहोगे 50 में, कहोगे फिर मैं 60 में आ जाऊंगा, आप कहोगे 55 में छोड़ दो। तुमको हमारी बातें बहुत बुरी लगती हैं। बुरी नहीं जी। हाँ। हम भी खरीद के लाते हैं अंकल जी। तो अब कितना? 70 में? अभी आपको दिखाऊंगा, आप जो बिक के गई है। 30 किलो दूध बता रहे हो? 32 किलो। सुनो जी। हाँ। अभी मेरे को 250 गायों का टेंडर हुआ है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में जानी है एक जगह। तो अभी दिखाऊंगा, इससे भी अच्छी अच्छी 56,000 के पुट्ठे में दी है मैंने, 56 के पुट्ठे में। अभी दिखाऊंगा, आप कहोगे इससे भी अच्छी है वो। ऐसा नहीं है, अगर कोई पुट्ठा लेगा ना, जैसे 10-20 गाय का, तो इसका पुट्ठा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, उसमें हल्की भी होती है। अच्छा, तुम हमको ये बताओ जी कि जैसे तुम्हारा काम बहुत फैला हुआ। हाँ जी। और मुझे लगता है करनाल में सबसे अधिक है। हाँ जी। और कितना बच करके चलते हो, फिर भी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है? हो जाती है जी। देखो मेरा क्या, ये अपने लोग ही करते हैं जी। चल अगली बात पे बात करेंगे, दूसरी लाओ। इतनी ऊंची पहाड़ की तरह? हाँ देख लो जी। हैं? हाँ जी। तो बिक गई है जी। कितने की बिकी है ये बताया था? 20 गाय अभी जाएंगी, 250 गाय जानी है जी एक जगह, 56,000 के पुट्ठे में जी। अच्छा। हाँ जी, वैसे तो अकेली गाय ये 80-85 हज़ार की है। अब ये 56 में है? 56,000। वो पहले वाली भी 56 नहीं, वो बिकी नहीं है जी, वो मिल्किंग है ना जी, लंबा सफर है तो मिल्किंग में थोड़ा। ये समय कितना मांग रही है? एक महीना 5-6 दिन पड़े हैं जी। खुर बहुत भारी है इसके? थोड़ा पक्का इसलिए मान रही, थोड़ा लंगड़ा के चल रही है ना। नहीं बनने वाले नहीं, टांगे बहुत मोटी हैं। नहीं बनेंगे पिछले। कौन सी ब्यांत में? सेकंड बार थी, अभी थर्ड बार बच्चा देगी। या फोर्थ बार? नहीं थर्ड बार। अच्छा, तुम लोग ऐसे भी बेवकूफ बना देते हो? 6 दांत है जी। अच्छा, 6 दांत, दांत के हिसाब से। अच्छा, फिर दांत पे आगे बात अटक जाती है ना, फिर हम मतलब तुमने हमको झूठा करना है? नहीं, जिसने लिया उसको अच्छी नॉलेज है, उसको नॉलेज है। हां, बहुत अच्छी। किसको, किसने लिया? ये नाम बताए थे, लोग वहीं पहुंच जाएंगे, 250 गाय उससे ले रहा। तो मेरी बात तो करवा दे। हाँ, बात करवा दे। हम उसका नाम नहीं पूछेंगे। हाँ जी, नहीं बताएंगे कहाँ से। बात करवा दे, यही है उसके डॉक्टर इधर ही है। हैं? जो जिसने लिया ना, उसका एक लेबर जिसने 250 गाय ली है, 250 हम देख तो ले कितनी बड़ी हैसियत। 250 साहिवाल ले ली थी उसने। अच्छा। तो साहिवाल का यहाँ से किसी के साथ बजट नहीं बना। मुरली से? किससे भी नहीं बना, कहीं और पता किया उसने 3-4 दिन, तो उसका बजट नहीं बना उसका, तो साहिवाल कहीं और से लेगा। अच्छा, HF की हमारे साथ डील हो गई। अच्छा, तो अब ये तुम्हारी है 56,000 में? हाँ, 56,000 के पुट्ठे में दिए। ये कितना कितना देगी दूध? 70,000, 71,000 की पहुँच दी है हमने। दूध कितना देगी ये? ये ब्रांड सी है जी, 35-40 के बीच में। 35-40 के बीच में दूध देगी, देख लो ना बच्चे जी। और 56,000 में दी है? 70,000 की सेकंड ब्याज की, 70,000 की तमिलनाडु में पहुँच दी है। क्रॉस है, ब्रीड है ये? HF जी, प्योर प्योर है, ब्रीड में है। हाँ जी, ब्रीड। और टांग ऊपर तो सीधी है बिल्कुल। देखो ना जी, पूरी बैक की हाइट कितनी है, देखो जी। देखो अब ऐसा है कि हमने, हमको ये सुनने को मिला है महाराष्ट्र में जी। वो एक थे पंजाब के जी, तो उन्होंने गाड़ी रोक ली, उसको मारा पीटा। तो यार ड्राइवर का क्या कसूर? ड्राइवर का लेबर का क्या कसूर है? अगर तुम्हारी बेईमानी की है, व्यापारी ने की है, उससे बात करो।
व्यापारी से कहो बिल्कुल जी जो पर्चा दर्ज करवा दो उसका करवाओ, उसके बाद दोबारा मत आओ। हर व्यापारी ने क्या एक बात बताओ, ये गाय है, चल हम व्यापार करते हैं जितने व्यापारी भाई है हमारे, जब आपने गाय देख ली उसके निप्पल चेक करो, दांत चेक करो, यहाँ के तो हम जिम्मेवार हैं। नहीं तो तीन कई तो एक साल बाद बोलते हैं कि हमने एक साल पहले गाय खरीदी थी, ये तो खाम खाई अड़ जाने वाली एक बात। एक वो वहाँ से थे, राजस्थान से पुणे के थे, वो कहने लगे कि हमको लूट लिया उसने और उस हमको उसको पैसे दिलवाओ, हम आपसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आप। ये मैंने कहा हम इनकमों में के लिए हैं क्या, हम ना हम पुलिस वाले हैं या हम कोई जज हैं। मैं कहा तुमने खरीदी है हमें क्या मालूम, अपना तुम मुझसे निपटो। ऐसा जी नहीं, वो कहता मैं तुमको आखिरी बार कह रहा हूँ 20,000 दे दो नहीं तो बहुत पछताओगे। तो मैंने कहा यार ये बातें छोड़ो। तो जब उसका नाम और उसकी फोटो डाल दी ना, फिर वो मिनतें करने लगा कि ऐसे ब्लैकमेल कर रहा है। एक ग्रुप है वो महाराष्ट्र के, तीन चार लोग वो चोर, वो भी ऐसे ही ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। प्रीतम जी ये कौन सी ब्याज की है? ये फर्स्ट बार बच्चा देगी, पहली बार? हाँ जी। तो ये टू दो दांत है जी, मुंह से दो दांत। हाँ जी, और पूरी जवानी में? हाँ बहुत अच्छे घर से आई है जी। आज कुछ ठंड की वजह से तुमने साफ नहीं किए हैं ज्यादा? हाँ थोड़े नड़ाई बीमार हो जाती है। कितना दूध देगी ये? देना चाहिए जी 28-30 लीटर फर्स्ट में जी। सेक्सी में लगा? नहीं जी ये नहीं पता। कब तक भी आएगी? हाँ जी इसके पड़े हैं जी 17-18 दिन जी। 17-18 दिन? हाँ जी। अब ये उसी पुट्ठे में है? 56,000 के। 56,000 के पुट्ठे में दूध 22-23 लीटर? नहीं 25 प्लस रहेगी। 25 प्लस रहेगी? हाँ जी 25 से 30। तो फिर भी कोई महंगी नहीं है? हाँ अच्छी बछड़ी है जी, हाइट देखो जी। नहीं तो ये अब ये तुम दरिया दिली क्यों दिखा रहे हो? दरिया दिली अंकल जी 250 गाय लेनी है किसने। हाँ ठीक है जी। हाँ 250 गाय थोड़ी नहीं होती। अच्छा अगर 2,000 भी बचे तो? नहीं वो 5 लेके कह देगा मैं नहीं लूंगा फिर? नहीं नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जी। हाँ जी ठीक है लाग लीजिए। 50,00,000 का चेक दिया अगले ने, सिक्योरिटी चेक। हाँ जी ये आ गई चौथे नंबर। हाँ जी चौथे नंबर जी, चौथे नंबर पर आ गई है, लेकिन पहले वालियों का कोई मुकाबला नहीं इससे। हाँ ये थोड़ा थोड़ी हाइट थोड़ी कम है उनसे। हाइट कम है, दूध भी कम होगा? नहीं दूध तो अच्छा देगी जी। कितना? ये 25-30 के बीच में जी। तो कहाँ 40 वाली कहाँ 25 वाली? हाँ देखो एक पुट्ठा रेट क्या अंकल जी? 56,000 फिर जी वो तो देखो ना। तो 25 लीटर वाली 56,000 में? 70,000 की पहुँच दे रखी, 14,000 एक गाय पे खर्चा है जी। अच्छा हाँ जी 14,000 पे एक गाय पे खर्चा है। एक 10 गाड़ी के 12-14,000 लेबर के और जी डॉक्यूमेंट्स के, दवाई जाएंगी, फूड जाएगा, 140 के आसपास खर्चा। आदमी भेजे? हाँ आदमी जाएगा। कितने आदमी जाएंगे? एक गाड़ी भेजेगी। वो एक कल हम वीडियो बना रहे थे जी, तो वो जो महाराष्ट्र के लेने के लिए आए हुए थे बहुत चतुर थे। हाँ जी वो कहने लगे हमको आदमी नहीं चाहिए 10,000 रुपया। हम कहते क्यों खर्चेंगे, हमें जोर तो नहीं हमारा बचेगा, हमें 10 थोड़ी बचेगा, ये लोग बेवकूफ हैं। 10 कैसे बचेगा अंकल जी? जी स्टॉप पे रुकेगी ना गाड़ी, गाड़ी 1,000-1,500 रुपये वो स्टॉप वाले ने लेगा, उससे 3 स्टॉप लगेंगे 4,500 रुपये तो वहाँ देश बैठेगा, बचे कितने 5,500 रुपये। ठीक है जी 5,500 में वो भी रोटी खाएगा बेचारा लेबर वाला, 2,000 की वो खाएगा, ये हो गए रह गए कितने जी 3,500। 3,500 में वहाँ से टिकट करके भी आएगा बेचारा 1,000-1,500 रुपये लगाएगा, उसको तो 2,000 ही बचने। नहीं तो हमने एक आदमी मिला हमसे। हाँ। वो कहता हम एक नहीं हम दो भेजते हैं। हाँ। सिर्फ 5,000 ही ज्यादा जाता है। हाँ जी, लेकिन कहता कि वो जगते हैं सारी रात और कहता कि उनको मालूम है कि अगर आज कहीं हमने लापरवाही कर दी तो दोबारा हमारे भेजेंगे नहीं। 14,00,000 का माल लिया है। हाँ। 10,000 में क्या फर्क पड़ता है जी, कोई भी ये तो मूर्ख आदमी का वही। हाँ उनकी भी यही बात कर, बिल्कुल सच्चाई। 14,00,000 के माल में आप ऐसा करो एक गाय 70 की जगह 60 की ले लो, ऐसी कंजूसी नहीं करना। हाँ इसमें कोई कंजूसी नहीं। अच्छा ये भी कम से कम है ना। हाँ। 30 मालिक ने बोला भाई दवाई खुल के देना मेरी गाड़ी में। हुँ. दवाई आने लग रही 25-30,000 की दवाई जाएगी गाड़ी में। अच्छा अब तुम ये गाय दिखा रहे हो 25 वाली, कौन सी म्याद की है? ये सेकंड बार की। ये तो इसके तो छोटे छोटे से खो रहे हैं। नहीं इसका टाइम पड़ा भी एक महीने, जैसे बच्चे के होते हैं। नहीं है प्योर में। अच्छा थोड़ा हाइट छोटी है। हाइट छोटी सर्दी की वजह से नड़ाई नहीं है। 25-26 दूध देगी? 25-30 के बीच में। तो लाए कितने की हो? ले आए तो अंकल जी मैं आपको कह दूं 1,000-2,000 ही बचे हैं इसमें, ज्यादा नहीं है। हमसे आंख मिला के बात किया करो। 1,000-2,000 रुपए बचे हैं, ज्यादा नहीं चुराया, ज्यादा नहीं बचे हैं इसमें। 40 की लाए? हाँ आ भी सकती है जी, कई बार फ्री भी आ जाती है मंगलवार वगैरह। तू हमसे सीधे से बात कर। हाँ जी 40 की लाए? नहीं 40 की कौन देता है अंकल जी, 25-30 लीटर कोई भी देता। 45 की? नहीं आई होगी 52-53,000 की। चलो हाँ जी लाग ले लो। अब ये जो गाय दिखा रहे हो हाँ जी,
तो इस ये कुछ कमजोर नजर आ रही है। हाँ थोड़े ड्राई की है जी दूध से, ये प्योर में बिल्कुल जी, डेनमार्क प्योर में, हाँ जी ब्रीड में, हाँ जी जैसे टांगों की बनावट हाँ बता रही है। दूसरी बार बच्चा देगी ये, हाँ अभी ड्राई की है 2 दिन पहले। अच्छा हाँ जी, कितने पे ड्राई की है ये? की है जी 8 लीटर के आसपास जी। 8 लीटर मैं भी खरीद के लाया था, ड्राई करके ट्यूब चढ़ा दिए। कितना दूध देगी ये? ये फर्स्ट में 23-24 लीटर दे रखी है। सेकंड में है ये? हाँ जी सेकंड बाजी। यार ये तो अभी खुद ही बच्चियाँ लगती है। सेकंड में है जी, 4 दांत है मुँह से ही। अच्छा हाँ जी, तो क्या दाम में है ये? ये 56 की पुट्ठे में गई है। 56 में तो गई है। हाँ अकेली का क्या दाम होगा? अकेली की 60,000 के आसपास जी। अच्छा हाँ, अब तक तुमने जितनी दिखाई है जी सारी तुमको घाटा दे रही है? दिखाऊंगा अंकल जी, 20 गायें गई हैं, ये आपको 10 गायें दिखाई है, ठीक है जी। अभी 10 गायें कुछ हल्की कुछ मिक्स ही करनी पड़ती है अंकल जी। और ला ये दिखा रहे हो? हाँ जी। तो ये हाइट ये ऐसी दोगे उनको? नहीं चौड़ी देखो ना कितनी है जी, किसान के यहाँ की है। हाँ जी है? हाँ जी मेरे के अंकल जी, सर्दी में लड़ाते हैं। किसान की तो सस्ती मिली होगी? नहीं किसान भी रेट तो मांगते हैं, जो अपना बच्चा तैयार करके बड़ा करता है अंकल जी। हर आदमी चाहता है भाई मेरे पशु अच्छे, वो जो हड़के वाले पशु है ना अपनी कोई तैयार करता। हर चीज़ एक मोल की है, हर आदमी में माइंड है, थोड़ा अच्छे पशु तैयार करते हैं लोग, हड़का पशु नहीं कोई भी तैयार करता। तो ये ब्रीड में? हाँ प्योर ब्रीड में, एचएफ में है, एचएफ में प्योर। अच्छा हाँ जी, कितना देगी दूध? ये देना चाहिए 20-30 के बीच में। अकेली कितने मिलेगी? अकेली मिलेगी जी 60,000 के आसपास। 60,000? हाँ जी, अभी टाइम पड़े अंकल। अच्छा, जी को तुम कुछ मतलब की बात भी किया जी, वो कुछ समझाओ इन लोगों को, जैसे वो अब इसका पाचन तंत्र ठीक रहे जी, इसके लिए जो गाली करती है हाँ जी, लार बनाती है हाँ जी, लार जो जाती है अंदर जी, तो क्या काम होता है उसका? लार तो पाचन भाई कुछ पचने के लिए जुगाली करती है पशु जी। जो जैसे हरा घास हो गया भूस हो गया इसके लिए ज्यादा करेगी। वो कहते ना कि हम जो चारा इसको देते हैं इसको नहीं देते हैं, हाँ वो जो लार बनाती है वो इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं हाँ जी, इसके पावर हाउस में बिल्कुल जी, पेट में बिल्कुल, तो उनको पावर देती है मेरे के अंकल, वो आगे जो है वो बनाते हैं। हाँ जी मेरे के अंकल जी, अगर एक चीज देखो, अगर पशु स्वस्थ है तभी तो जुगाली करेगा लार बनाएगा, अगर पशु थोड़ा भी बीमार है वो जुगाली करना बंद कर देगा तो वो ऑटोमेटिक ही बीमार है, वो समझ सकते हैं। जब फार्मों पे कोई किसी की रात में गाय वाय बीमार हो जाती है, उनको बुला लेते हैं जी, तो कितनी फीस रखी है? 100 रुपये थे जी। इतना ऐसे तो जी, चलो अब तो मैंने छोड़ ही दिया, डॉक्टर वाला कम कर रहे हैं जी, लड़के कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं। लड़के रखे? 8 हैं जी अभी। 8? हाँ जी करनाल में। तो कहते हैं जब मौके पर कोई फंसता तो खूब? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, हाँ ये किसी से मर्जी पता कर लेना। 100 रुपये फीस थी। चलो ये किसान की है? नहीं फार्म से आई है जी। फार्म बंद लगती नहीं? नहीं फार्म से। मर्दी 56,000 में? ये भी हाँ ये 56,000 में मर्दी। हाँ मर्दी जी। कितना दूध देगी? देगी 25 लीटर जी। हैं 25 लीटर के आसपास। 25 लीटर? हाँ जी। कौन सी ब्याँत की है ये? सेकंड बार की है जी। सेकंड बार की है? हाँ जी। 25 लीटर दे? 25 लीटर। कब तक ब्याएगी ये? भी 20 दिन पड़े। अभी 20 दिन पड़े? हाँ जी। तब तक वहाँ पहुँचेगी तो ब्या जाएगी? नहीं नहीं वहाँ तो 5 दिन में पहुँच जाएगी, गाड़ी तैयार खड़ी है आपके पीछे खड़ी है दोनों गाड़ी। अच्छा हाँ जी। चलो 16 गायें अभी जाएंगी, हाँ। बाकी कल लोड करूंगा। लाग ले ला। हाँ जी लिया बेटे, अगली ले जल्दी। हाँ जी ऑर्डर बड़ा जबरदस्त दिखा। हाँ तीसरी बार बच्चा देगी 15-20 दिन बाद। तीसरी बार? हाँ जी। फुल दांत है जी? हाँ सच बोल रहे हो? नहीं जो सच्चा तो सच्चा उसको कबूल करो, फुल दांत है जी। फुल दांत है? हाँ जी। सेक्सी में है? पता नहीं जी ये नहीं। नहीं तो ये किसान की है? हाँ किसान से लिया जी। तो कितना दूध देगी ये? मालिक बोल रहा था ये हमारे नज़दीकी रिश्तेदारी पड़ती है उनसे ली है, हाँ। सेकंड में 32-33 लीटर दूध दे रखे जी। उसके लड़के बाहर चले गए, एक ही गाय थी वो ही बेच दी उन्होंने। कितने की? ये तो मैंने 56 के पुट्ठे में दी है जी। दी तो 56 के पुट्ठे, गाय कितने की तो बता दो? 53,000 की। 53? अच्छा तुम लोग फिर नजायज फायदा खूब उठाते, किसान से मिल जाते हैं। उसकी मजबूरी है बेचना, तुमने कहा ठीक है। अंकल जी सुनो, हाँ। किसान से कई बार हमको देखो MRP तो इनकी है नहीं, हाँ। कोई महंगी कोई सस्ती। 30 लीटर वाली तुम 56,000 मिले, 53,000 मिले? 35 लीटर वाली है जी वो, 35 लीटर तो 53,000 मिले है। हाँ जी मालिक ने मांगी, मजबूरी का फायदा ही लिया। नहीं मालिक ने मेरे बोला जो देना दे दे, मैंने कहा बोलो जी कितने लेने, उन्होंने 60,000 मांगे, मैंने 50 लगाए, 53 में सौदा बन गया, पैसे दे के ले आए। तो सस्ती आएगी सस्ती जाएगी, महंगी आएगी महंगी जाएगी, इसमें तो कोई बात नहीं, हमारे कौन सा घर में बनता है। ला।
अच्छा ये दिखा रहे हो? हाँ जी, ये फर्स्ट दो दांत है फर्स्ट की बच्ची। इसके सारे पे बोलो क्या है इसका मतलब जी? फर्स्ट की बच्ची है जी, 15 दिन बाकी है बच्चे देने में, ठीक है। दो दांत है मुँह से, अगर अकेली बच्चे ये 55,000 के एवरेज है, दी ये भी 56,000 के एवरेज से है। दूध देगी कम से कम 20 से 25 लीटर के बीच में। पहली बार? हाँ जी पहली बार। 20 से 25? हाँ जी हाँ जी। अगली बार में बढ़ जाएगी? हाँ अगली बार तो 25 से प्लस रहेगी। हम वीडियो खत्म करने से पहले एक बात कहें जी, तुमने आज जो रेट हमको बताए, हाँ जी हमको विश्वास नहीं हो रहा। हाँ जी, वो एक जो तुम बता रहे 40,000 की गाय पहली दिखाई है, हाँ जी 40 लीटर दूध वाली, हाँ जी, वो 1 लाख से कम की नहीं। दो नंबर दिखाई है वो जी, एक नंबर तो मिल्किंग में है ना, दो नंबर दिखाई है 56,000 में, एक नंबर भी काउ नहीं है। विश्वास कर ले? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा जी। नमस्कार, चलो।